औरतों की भी कोई इज्जत नफ्स होती है। क्या हुआ, मैंने तुम्हें क्या कहा है? Oh, good, very good. इतनी भोली नहीं है आप, इतने अरसे से जो मुझे एक्सप्लॉइट कर रही थी वो तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा फायदा, मेरा फायदा, कौन सा फायदा मेरा? अब भाई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना? रहने दीजिए, मुझे आपके सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं। क्यों, तुम आजाद नहीं होना चाहते? आजाद? आजाद तो मैं हो रहा हूं। आप अपना सॉफ्टवेयर अपने पास ही रखिए। तुम्हें क्या हो गया है? क्या समझते हैं आप अपने आप को? अकले कुल समझती हैं? आप ये समझती हैं कि आपके अलावा इस दुनिया में, इस कायनात में मेरी मदद कोई नहीं करेगा? अच्छा, तो ये बात है। अब कौन कौन है वो? है एक बहुत ही पहुंचा हुआ आमिल, आमिल फ्रेंच कट बाबा। आमिल फ्रेंच कट बाबा? हाँ, उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे आजाद करवाएगा और अब आप मुझसे कोई भी अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। देखो, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। होश में? अब तो मैं होश में आया। अब अच्छा, तो ठीक है, जो तुम्हारे दिल करता है तुम वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, आखिर में तुम आओगे मेरे पास। ये आपकी खुशफहमी है। मैं चाहूं तो एक मिनट में आपको चुटकी मार के पतला कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। मैं क्या, खैर ते है, तुहाडे चेहरे ते 12 बजे ने, हाले ते 11:30 होए ने। बिजली, मेरा मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। ओहो, फिर भी दसो तो सही, होया की? मुझे इस भूत पर बहुत गुस्सा है, बड़ा भूत बना फिरता है। मैनू ओदे ते आप बड़ा गुस्सा है जी। क्यों, तुम्हें उस पर क्यों गुस्सा है? आवे बाजुकात बंदियां ते गुस्सा आ जांदा। उसे तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ा है? बहुत अच्छे, यानी चंगा भला तुसी ओदे खिलाफ गल्ला कर रहे सो, मैं गल कीती ते मेरे गल पै गए। औरतां दा भी पता नहीं लगदा, पाले च तोला पाले च माशा। बिजली, उसने हमारे लिए काम करने से इनकार कर दिया है। ओ क्यों? वो कोई उसने बाबा शाबा ढूंढ लिया है जिसने उसे तसल्ली दी है कि वो उसे हमारे चुंगल से आजाद करवा देगा। आप फिक्र ही ना करें जी। कैसे कैसे फिक्र ना करें, हमारा सारा बिजनेस चौपट हो गया है। नहीं होएगा, नहीं होएगा। तुम क्या करोगे, तुमसे चाय तो ठीक तरह से बनती नहीं है। बहुत अच्छे, वो चाय बनाना होर काम है, मैं भी भूत हाँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बनया बनाया भूत। शक्ल से लगते भी हो, लेकिन हो नहीं ना। इदा मतलब है कि तुहानू मेरी गल ते यकीन नहीं आ रहा। कि क्या लाभ शलाब बोल रहे हो? ओ मैं तुहानू सही कह रहा, मेरी गल ते तुसी यकीन ते करो। करवाओ ना। मैं भूतां ले काम कर सकना, बल्कि मैं एक तरह का भूत ही हाँ। तुहानू नहीं यकीन आ रहा ना, आ जरा वेखो। रेडियो Thank you.
आगे। यस। बाबा जी मैं आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आ गया। वाह क्या डायलॉग बोला है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। जब वो अपना घर छोड़कर हीरो के पास आती है तो यही कहती है। बाबा जी फिल्मों को छोड़े, मेरी बात सुने। मुझे बताए कि मुझे अब क्या करना है। वही जो तुम वहां करते थे। तो इसका मतलब है कि आप भी मुझसे वही काम करवाएंगे जो मैडम करवाती है। हाँ मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें किराए पे चलाऊंगा और तुम्हारे पैसे किस्तों में वसूल करूंगा। बाबा जी मेरी तरफ से आप एक दफा सारे पैसे वसूल कर ले, बस मुझे किसी तरह कोकाफ वापस भिजवा दे, मेरी पावर्स को फुल करवा दे। अल्लाह करने वाला है, तुम्हारी मैडम को तो तुम्हें मारपीट करना ही नहीं आया, अब देखना मैं तुम्हें कैसे कैसे भेजता हूं। जी तो मेरा मतलब है आप समझ गए ना। जी जी तो फिर बुलाए अपने भूत को। हाँ हाँ बिजली मेरा मतलब है भूत हाजिर हो। क्या हुक्म है मेरी आकी? आकी आका की मोनस होती है आकी। अब कैसा है ये? मगर ये भूत तो नहीं है। अब भूत भूत हो ना? हाँ मगर जो तस्वीर आपके इश्तिहार में होती है उससे तो काफी मुख्तलिफ है। नहीं नहीं हमारे पास कोई एक भूत थोड़ी है, हमारे यहाँ तो भूत आते जाते रहते हैं। भाई भूत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे लातों के भूत हाथों से नहीं मानते, इश्क का भूत, महंगाई का भूत, रंग रंग के भूत। आपका मसला ये हल करेंगे, आप इनके साथ जाए। आओ मेरे नाल। या अल्लाह खैर, बिजली लोड शेडिंग ना करवा देना। हट बट चट बट नट खट, कितने पैसे हो गए हैं बाबा फ्रेंच कट? हो गया टॉपिक पूरा। लो अभी तो तुम्हारा 60 है। तो फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे यार, टेंशन ना लो, बस थोड़े दिन और इंतजार करो, जो ही टारगेट पूरा हो जाएगा तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। समझो कि बस तुम्हारी आजादी में थोड़े ही दिन बाकी हैं। अब बताओ क्या केस है? मेरे बॉस के पास मेरी रिपोर्ट गई है और मुझ पर गबन का इल्जाम है। इल्जाम है? इल्जाम है या सच है? और तुम छोड़ो इस बात को, या तो ये फाइल बदल जाए या फिर बॉस बदल जाए। ये को केस है? ये तो बहुत बड़ा केस है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम्हें बॉस तुम बुलाए तुम फौरन मुझे बुला लेना। हट बट चट बट नट खट, छा गया है बाबा फ्रेंच कट। हट बट नट खट चट बट, और भेज मेरे मौला काक फटाफट फटाफट। आओ आओ सलीम बैठो, कैसे हो? सुना आजकल बड़े नोटों में खेल रहे हो? हाँ यार और कोई जगह जो नहीं खेलने के लिए, खास तौर पे शहर में। बस सलीम तुक्का लग गया है, एक तुक्का। तुक्का? हाँ एक भूत मेरे हाथ लग गया है। वो कैसे? एक मैडम है यहाँ, उसने एक भूत काबू किया हुआ है और वो बेवकूफ भूत आजादी चाहता है, इसलिए वो मेरे पास आ गया। मैं जा रहा हूं। जाओ और फिकर मत करो। अंदर जा रहा हूं। यस। सलाम अलैकुम जी। जी ये सारी फाइल तैयार होके आ गई है, अब तुम क्या कहते हो? 50 लाख का गबन साबित हो चुका है। ये क्या कर रहे हो मोबाइल से? शुरू कॉल। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो भूत बेवकूफ खुद मेरे पास आया है, हालांकि उसे पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने उसे यहाँ जमीन पर बुलाया है
वो ही उसे वापस भेज सकते हैं। मुझे सबसे पहले ऑफिस वापस जाना चाहिए, उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए, वरना मैं गोकाव कैसे जाऊंगा, और उसके बाद मैं इस फ्रेंच कट बाबा को सबक सिखाऊंगा ताकि ये दोबारा किसी भूत को बेवकूफ ना बना सके। बिजली की पावर सबसे पहले सेलेक्ट करनी चाहिए। क्या हुआ? लो, अब इतनी जल्दी कॉल भी आ गई। सर वो अंदर नहीं आ रहा। कौन अंदर नहीं आ रहा? वो मेरा दोस्त। दोस्त अंदर नहीं आ रहा। अंदर तो अब तुम जा रहे हो हवालात में बच्चे, और वकील भी साथ लेकर आए हो। तुम्हें पहले ही यकीन था कि जमानत करानी पड़ेगी। नहीं सर, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सच और झूठ का फैसला भी हो जाएगा। तो तुम हो वकील? नहीं, मैं वकील नहीं, मैं भूत हूं। लापड़ जी की गुडलू चरण मन बोले, कभी ढिंग किनारे ढिंग चू, कभी ढिंग किनारे ढिंग चू, कभी डबकचन कभी डबक, कभी डबकचन कभी डबक, कभी डबकचन कभी डबक चू। ओ मर गए भाई। क्या हो गया मेरी पावर को? नस लो, यहां से नस लो। तो तुम हो भूत। तुम भूत नहीं, तुम लातों के भूत। अभी निकालता हूं तुम्हारा भूतपन में। मना किया तुम्हें, हाथ मत लगाओ अभी। अच्छा, बाद में साथ करेंगे। मुझे पता है चाबी कहाँ है। मुझे शॉपिंग, हम शॉपिंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े खरीदेंगे। मैं अपने लिए कौन? उस क्लाइंट ने मार मार के मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। निकालो, निकालो मेरे पैसे। अब ऐसे कैसे पैसे? एक तो तुमने पहले हमारे भूत का हुलिया बिगाड़ दिया, ऊपर से तुम पैसे मांग रहे हो। अभी तो मैंने भूत का हुलिया बिगाड़ा है, जब आप लोगों पर पर्चा होगा तो पूरे दफ्तर का हुलिया बिगड़ जाएगा। मेरी ताकत क्यों खत्म हो गई है? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी वजह से पहले हमारा बिजनेस चौपट हो गया है। ये उसना फ्रेंच कट बाबा के चुंगल में फंस गया है। वो फ्रॉड क्या निकला? अच्छा, मेरा क्या बनेगा? तुम्हारा काम हो जाएगा। सच मुझ